मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं आज हम 29 अक्टूबर 2018 के करंट अफेयर्स। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, और नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन बटन पर क्लिक करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। कौन मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2018 की उप विजेता रही है? इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है सीमा चौधरी, ऑप्शन बी है मीनाक्षी चौधरी, ऑप्शन सी कलारा सोसा, ऑप्शन डी है मरियम जोश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मीनाक्षी चौधरी। मीनाक्षी चौधरी मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2018 की उप विजेता रही है। आइए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राजस्व सेवा के अंतरिम निदेशक किसे बनाया गया है? इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है अमित मिश्रा को, ऑप्शन बी है संजय मिश्रा को, ऑप्शन सी राजीव मिश्रा को, ऑप्शन डी है सुनील सक्सेना को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संजय मिश्रा को। भारतीय राजस्व सेवा के अंतरिम निदेशक संजय मिश्रा को बनाया गया है। आइए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले की प्रीति मीणा मिसेज इंडिया यूनिवर्स बनी है? इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है जयपुर की, ऑप्शन बी है करौली की, ऑप्शन सी है सीकर की, ऑप्शन डी है कोटा की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, करौली की। प्रीति मीणा मिसेज इंडिया यूनिवर्स बनी है कहाँ की? करौली जिले की। आइए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य में जेसीबी पुरस्कार 2018 किसको मिला है? इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है चेतन भगत को, ऑप्शन बी अरुदंती रॉय को, ऑप्शन सी अनीता शर्मा को, ऑप्शन डी है बेन्यामिन को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बेन्यामिन को। साहित्य में जेसीबी पुरस्कार 2018 बेन्यामिन को मिला है। आइए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका की नौसेना का संयुक्त अभ्यास एंटी पनडुब्बी किस शहर में संपन्न हुआ है? इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है केरल में, ऑप्शन बी है गोवा में, ऑप्शन सी ओडिशा में, ऑप्शन डी है पुणे में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोवा में। भारत और अमेरिका की नौसेना का संयुक्त अभ्यास एंटी पनडुब्बी गोवा में संपन्न हुआ है। आइए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में सैनिक स्कूल में छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा, ये फैसला किसने लिया है? इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है रक्षा मंत्रालय ने, ऑप्शन बी है पर्यावरण मंत्रालय ने, ऑप्शन सी विश्वविद्यालयों ने, ऑप्शन डी है दिल्ली सरकार ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रक्षा मंत्रालय ने 2019 में सैनिक स्कूल में छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा, ये फैसला रक्षा मंत्रालय ने लिया है। आइए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है रियाल, ऑप्शन बी है रियाद, ऑप्शन सी है डॉलर, ऑप्शन डी है टोक्यो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रियाद। सऊदी अरब की कैपिटल रियाद है। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी? इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 1990 में, ऑप्शन बी 1980 में, ऑप्शन सी 1970 में, ऑप्शन डी 1960 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1990 में। मानस नेशनल पार्क की स्थापना 1990 में की गई थी। आइए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए जनेवा में, ऑप्शन बी है पेरिस में, ऑप्शन सी लंदन में, ऑप्शन डी वाशिंगटन में।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जेनेवा में। WTO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन से भारत और जापान वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान पहुंचे? इसके चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 13वें, ऑप्शन बी है 14वें, ऑप्शन सी 15वें, ऑप्शन डी है 16वें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13वें भारत और जापान वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान पहुंचे। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। और हाँ, अगर अभी तक आपने स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलते हैं हमारे अगले करंट अफेयर्स की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।